हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एल के अकेडमी. आई एम आकाश दलाल एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर करंट अफेयर्स सीरीज पार्ट नंबर 4 फॉर जनवरी 2020. चलिए, तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक लेंगे हम वो योर प्रीवियस लेक्चर्स के जो टेस्ट क्वेश्चन थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था दैट वॉज रिलेटेड टू द सेकेंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर. ओके, चलिए, द इसरो हैज प्रपोज्ड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हियर. स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज फेमस फॉर कामली मेड बाय द लोकल कुरुबा पीपल. स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइंस सिटी. एंड स्टेटमेंट नंबर 4, इट इज नोन एज द सेकेंड मुंबई ऑफ इंडिया. ओके, आइडेंटिफाई द लोकेशन बेस्ड ऑन द अबोव गिवन स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर यहाँ पे होगा चल्ला खेरे. ओके, चल्ला केरे जो कि है चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में. ओके, चल्ला केरे इज द चित्रदुर्ग इन कर्नाटका. द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द साइंस सिटी. चल्ला केरे इज फेमस फॉर कामली वुवन ब्लैंकेट्स मेड बाय द लोकल कुरुबा पीपल. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड मुंबई ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सप्लायर ऑफ एडिबल ऑयल आफ्टर मुंबई. ओके, सो इस रीजन की वजह से चल्ला केरे काफी फेमस है इन दी कर्नाटक रीजन. ओके, और यहाँ पे देखिए, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गगनयान कार्यक्रम, दैट मीनिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर गगनयान प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया गया है. और ये जो आप देख रहे हो दैट इज दी चेयरमैन ऑफ इसरो दैट इज के सीवन, जिन्होंने पूरा चंद्रयान जो था तब आपने इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी तस्वीरें देखी होगी. ओके, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा चल्ला केरे. और चल्ला केरे में देखिए 60 प्लस ऑयल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी. सेकेंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया था दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 26 नवंबर मार्क्स एज द डे व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड. 26 जनवरी मार्क्स द डे व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ढूंढना क्या था यहाँ पे, करेक्ट आंसर जो था वो आपको ढूंढना था. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट जो था वो आपको ढूंढना था. एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपके लिए सही नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर मार्क्स एज द डे व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द इलेक्शन कमीशन वॉज इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950. ओके, तो नवंबर जो है वो डेट जो यहाँ पे दी हुई है वो आपको गलत दी हुई है. 26 जनवरी मार्क्स द डे व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. 26 जनवरी मार्क्स द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसको अडॉप्ट तो नवंबर को ही कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही उसको अडॉप्ट कर लिया गया था. राइट, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो आपके दोनों में से एक भी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर. ओके, चलिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया था विथ रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था, इट डिफाइंस अ चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज. ओके, तो देखिए ये तो गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 डिफाइंस चाइल्ड एज अ पर्सन इफ मेल हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज एंड फॉर फीमेल इट इज 18 ईयर्स ऑफ एज. और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया हुआ, 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर एनी चाइल्ड, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है. ये सही होता अगर यहाँ पे आपको लड़की दी हो, मतलब स्टेटमेंट में आपको लड़की के बारे में पूछा गया होता. तो इफ अ चाइल्ड इज अ गर्ल देन 18 ईयर्स वुड बी करेक्ट आंसर. ओके, चलिए, इट पनिशेज अ मेल एज वेल एज अ फीमेल पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग चाइल्ड मैरिज. ये भी गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट हुएवर बीइंग अ मेल अडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज शैल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विथ फाइन और मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विथ बोथ. तो देखिए, अ मेल अडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. ओके, जबकि यहाँ पे मेल के साथ साथ फीमेल के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है.
ओके, सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत है, तो सही आपका ऑप्शन क्या होगा, नीदर वन नॉर टू। ओके चलिए, अब आज का हमारा करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक से, दैट इज द फ्यूअल कंजर्वेशन कैंपेन स्टार्टेड बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और जिसको नाम दिया गया है सक्षम। और ये जो यहाँ पे आपको ये जनाब दिख रहे हैं वो कौन है, दैट इज अवर पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, एन एन्यूअल 1 month लॉन्ग पीपल सेंट्रिक, ओके देखिए इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, पूरे 1 महीने के लिए रेडियो पे, टीवी पे, अखबारों में ये कैंपेन चलाया जाएगा। ओके, और हर जगह पे इसके लिए सेमिनार किए जाएंगे एंड एटसेट्रा। 1 month लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूअल कंजर्वेशन कैंपेन ऑफ द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दैट इज नोन एज पीसीआरए। ओके, और उसको इस कैंपेन को नाम क्या दिया गया है, सक्षम, विल बी लॉन्च्ड ऑन 16th of January। तो 16th जनवरी से लेके 15th जनवरी तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। दिस कैंपेन एम्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्यूअल कंजर्वेशन एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट अक्रॉस इंडिया, ताकि आने वाले सालों में कंजर्वेशन कैसे किया जा सके उसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए उसकी टैगलाइन भी आपको दिख रही है, सक्षम 2020, सक्षम 2020, ईंधन अधिक ना खपाए, आओ पर्यावरण बचाए। खपाना मतलब यूज करना, ओके, लेट्स नॉट मोर पेट्रोलियम एंड लेट्स सेव दी एनवायरमेंट। ओके चलिए, अब पीसीआरए क्या है, सो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी सेटअप अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीसीआरए इज अ नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी एंगेज्ड इन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्रपोजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिपेंडेंसीज ऑफ कंट्री ऑन ऑयल रिक्वायरमेंट एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, तो देखिए जनरली आपको पीसीआरए के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको जस्ट पूछा जाएगा अबाउट दिस सक्षम कैंपेन। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि सक्षम कैंपेन क्या है। ओके चलिए, नेक्स्ट आपके लिए दिया गया है, लखनऊ एंड नोएडा टू गेट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, देखिए जनरली जो मेट्रो सिटीज नहीं होते हैं उन उनके अलावा के जो सिटीज है, ओके आई मीन जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज है वहां पे ड्यूअल सिस्टम चलता है। ओके, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो रिपोर्ट करेगा आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को। तो फाइनल जो एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी जो रहेगी वो किसके पास होगी, कलेक्टर के पास रहेगी। बट इन मेट्रो सिटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी जाएगी, पुलिस कमिश्नर को दे दी जाएगी। और जिन जिन शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, क्यों वहां पे लागू किया गया है, ताकि टाइम बचाया जा सके और इफेक्टिव सिस्टम लागू किया जा सके। ओके चलिए, सो रिसेंटली दी यूपी गवर्नमेंट गेव नोड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन टू सिटीज, दैट इज लखनऊ एंड नोएडा। देखिए लखनऊ और नोएडा ऑलरेडी काफी बड़े सिटीज हैं, तो वहां पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाने से क्या होगा कि जो ऑन ग्राउंड जो ड्यूटीज है उसको ज्यादा फास्ट बनाया जा सकेगा, ज्यादा एफिशियंट बनाया जा सकेगा। The additional director general of police rank officer would be appointed as commissioner and will have 2 inspector general of police rank officers as deputies. तो ये उसका फॉर्मेट होगा। The current system would be monitored for 6 months on a review basis to know the effectiveness in handling law and order better than the earlier district magistrate would be done away ऑन दी एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ओके, ये 6 महीनों के लिए इसको नोट दिया गया, तो देख लीजिए जनवरी से जून तक ये चलेगा और उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा कि भाई जनवरी के पहले जो सिचुएशन थी उससे ये बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके चलिए, अब क्या है ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, अंडर द 7th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द 7th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट। पुलिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट, इट मीन्स इंडिविजुअल स्टेट्स कैन लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट। ओके, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल
there is a dual system of control exits in which superintendent of police has to work with DM for supervising police administration. ओके तो जनरली जो छोटे सिटीज है वहां पे क्या होते हैं, एसपी आपको देखने को मिलेंगे और पुलिस कमिश्नर इस सिस्टम में एसपी नहीं होगा, सीधा जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, कंट्रोल है, वो किसके पास रहेगा, सीपी के पास रहेगा. ओके, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास रहेगा. एट द मेट्रोपॉलिटन लेवल मेनी स्टेट्स हैव रिप्लेस्ड द ड्यूअल सिस्टम विद द कमिश्नरेट सिस्टम एज इट इज सपोज्ड टू अलाउ द फास्टर डिसीजन मेकिंग. ओके, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इश्यूज. तो जो बड़े सिटीज है वहां पे जो पूरा कंट्रोल होगा वो सीपी के पास रहेगा. क्यों सीपी के पास होगा? क्योंकि टू अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग. ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स बारिंग बिहार, मध्य प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव कमिश्नरेट सिस्टम. देखिए तो इनको छोड़कर, देखिए बारिंग बिहार, मध्य प्रदेश, यूटी एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इन स्टेट्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट है उन्होंने कमिश्नरेट सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है. कहाँ कहाँ नहीं है तो बिहार, मध्य प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है और वहाँ पे अभी भी ड्यूअल सिस्टम चल रहा है. द ब्रिटिश ब्रॉट द सिस्टम फर्स्ट इन कोलकाता. तो अगर आपको पूछा जाता है कि भाई पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई किया गया, सो दैट विल बी इन कोलकाता, फॉलोड बाई इट इन मुंबई एंड चेन्नई. दिल्ली टर्न्ड इनटू अ कमिश्नरेट ड्यूरिंग 1977 एंड 1979. ओके, तो बिहार, एमपी और जेएनके एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के बाकी हर स्टेट ने ऑलरेडी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अप्लाई कर दिया है. इट इज इन द कमिश्नरेट सिस्टम द कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी इज द हेड ऑफ द यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर. ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स इन द सिटी एंड इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट. द ऑफिस ऑल्सो हैज मैजिस्टेरियल पावर्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग. अंडर दिस सिस्टम द कमिश्नर डज नॉट रिपोर्ट टू डीएम. जो कमिश्नर होगा वो डीएम को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मे बी स्टेट सेक्रेटरी और इन सम केसेस सीधा चीफ मिनिस्टर को वो रिपोर्ट करेगा. द सीपी इज ड्रॉन फ्रॉम द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक और अबो, इज असिस्टेड बाय स्पेशल जॉइंट एडिशनल और डेप्यूटी कमिश्नर. ओके, तो देखिए हमारे जो गुजरात के ऑलमोस्ट जो बड़े सिटीज है वहां पे आपको पुलिस कमिश्नर सिस्टम देखने को मिलेगी. ओके, ईच सिटीज हैज देयर कमिश्नर ऑफ पुलिस. अब ड्यूअल सिस्टम में क्या होगा, अंडर द कॉलोनियल सिस्टम जो कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, अंडर द ड्यूअल सिस्टम द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ अ रीजन इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट टू हिम. द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच एज इशूइंग ऑर्डर फॉर पेरेंटिव अरेस्ट और इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 सीआरपीसी वर वेस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. दिस वॉज कॉल्ड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ पोलिस एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, चलिए आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो बेसिकली जो इसका समरी है वो ये है कि कमिश्नरेट सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्यूअल सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. और क्योंकि यूपी में जो क्राइम का जो नंबर्स था वो काफ़ी बढ़ चुके थे, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रायल बेसिस कमिश्नरेट सिस्टम वहाँ पे अप्लाई किया है. चलिए नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटेड टू अवर आर्मी और वो है K9 वज्रटी जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया अंडर मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट. रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ 51st K9 वज्रटी गन. ओके, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ वन काइंड ऑफ अ टैंक. ओके, सेल्फ रिलायंट टैंक है वो, उसमें एम्यूनिशन भरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, चलिए फ्रॉम लार्सन एंड टोब्रो आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एट हजीरा इन सूरत. तो देखिए अगर आप गुजरात गवर्नमेंट के कोई एग्जाम दे रहे हो, इवन आप बाहर के भी कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी भी दे रहे हो, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि उसको बनाया कहाँ पे गया है. तो वो होगा हजीरा गुजरात. एंड व्हाट इज हजीरा? तो हजीरा सूरत से 20 किलोमीटर दूर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है. ओके, जहाँ पे आपको SEZ देखने को मिलेगा, सेज एरिया है. हजीरा इज सेज एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन.
चलिए, द के नाइन वज्रा टी 150 mm 52 इज अ ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब यह है कि उसमें मैन्युअली एम्यूनेशन भरने की जरूरत नहीं है, जो एम्यूनेशन है पहले से आपने उसमें फिल कर दिया वो ऑटोमेटिकली उसको रीफिल करता रहेगा। द के नाइन वज्रा टी इज अ ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर, अ शॉर्ट गन फॉर फायरिंग शेल्स ऑन हाई ट्रेजेक्टरीज एट लो वेलोसिटीज विच हैज इट्स रूट इन दी के नाइन थंडर, द मेन स्टे ऑफ साउथ कोरियन आर्मी। ओके चलिए, इट ऑफर्स अ हाई रेट ऑफ फायर एट लॉन्ग रेंज एंड इट कॉम्पिटेबल विद इंडियन एंड स्टैंडर्ड नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एम्यूनिशन। देखिए, नाटो का जो एम्यूनिशन स्टैंडर्ड है उसके साथ वो मैच करता है। The K9 Thunder platform is made of all welded steel armor protection material. तो उसको काफ़ी सारा अगर उस पर हमले भी होते हैं तो वो उसको सर्वाइव ईजिली कर सकेगा। The K9 gun has been developed under the bi-global program of the defense procurement procedure where foreign companies are allowed to participate. Okay? भले ही कंपनी फॉरेन की होगी बट उसको पूरी तरह से बनाया कहाँ जाएगा, इंडिया में किया जाएगा। In this case, हानवा टेक्विन ऑफ साउथ कोरिया इज द टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ एलएनटी। लार्सन एंड डोब्रो को पार्टनर कौन कर रहा है? साउथ कोरियन कंपनी हानवा टेक्विन। द फर्स्ट 10 के वज्रा 9 गन्स हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ कोरिया एंड असेंबल्ड बाय एलएनटी इन इंडिया। द बैलेंस 90 गन्स विल बी लार्जली मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री एंड दिस विल सपोर्ट व्हाट अवर मेक इन इंडिया विजन। ओके ये करेगा आपके मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। एलएनटी डिफेंस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग K9 वज्रा T1 ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर गन्स प्रोग्राम। द कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू द कंपनी बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बीडिंग। तो एलएनटी ने सबसे ज्यादा अच्छी बिड लगाई थी, नॉमिनल प्राइजेस में बिड लगाई थी, इसलिए एलएनटी को ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया। चलिए, नेक्स्ट जो थोड़ी दुखद खबर है हमारे लिए, दैट इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन बुशफायर। ओके, देखिए 2020 का जो साल है वो स्टार्टिंग ही उसकी थोड़ी भयानक तरीके से हुई थी। ऑस्ट्रेलियन रीजन में पिछले 20 साल से भी खतरनाक बुशफायर जंगलों में लगी है। ओके, जंगलों में आग जो लगी है उसको हम कहेंगे बुशफायर। और ऑलमोस्ट 50 मिलियन जितने जो जानवर है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका खात्मा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया इज विटनेसिंग द मोस्ट डिवास्टेटिंग बुशफायर सीजन इन द लास्ट 20 ईयर। ओके, देखिए इंसान जो है वो तो उनको इलाका खाली भी कराया जा सकता है, ये जो जानवर है वो कैसे भाग सकेंगे? ठीक है, उनका तो घर ही जंगल है। अब आपने अगर काफ़ी फोटोग्राफ्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो काफ़ी सारे जो जानवर थे वो खड़े खड़े वहाँ पे जल गए हैं। ओके, ऐसे फोटोग्राफ्स भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखने को हमें मिले हैं। चलिए, अब बुशफायर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, फॉरेस्ट फायर्स और बुशफायर्स रूटीनली अकर अक्रॉस द वर्ल्ड इन द हॉट एंड ड्राई सीजन। अब देखिए क्या होगा, हॉट एंड ड्राई सीजन में जो सूखे पत्ते होंगे उनमें थोड़ा भी अगर फ्रिक्शन होगा और एक जगह भी अगर स्पार्क होगा तो काफ़ी सारे सूखे पत्तों की वजह से वहाँ पे छोटी सी आग लगना स्टार्ट होगा। अब इसकी वजह से टेम्परेचर इतना हाई होगा कि आग बढ़ती जाएगी और पूरे जंगल में फैल जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राई लीव्स, ग्रास, श्रब्स, डेडवुड एटसेट्रा इजीली कम्युस्टेबल। इग्निशन हैपन्स नेचुरली फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स फॉर एग्जाम्पल, और एक्सीडेंटली फ्रॉम सोर्स सच एज सिगरेट स्टब्स। स्प्रेड कैसे होगा इसका, सूटेबल स्पीड एंड डिरेक्शन ऑफ विंड हेल्प द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर फास्टर। जैसे उसको हवा मिलती जाएगी और जिस दिशा में उसको हवा मिलती जाएगी उस दिशा में आग धीरे धीरे फैलती जाएगी। इट यूजुअली कम्स टू एन एंड ड्यू टू रेन और बिकॉज देर इज नो फर्दर कंटेजियस वेजिटेशन टू स्प्रेड टू। तो अगर ग्रीनरी होगी तो वहाँ पे आग रुक जाएगी, जहाँ सूखा जंगल होगा वहाँ पे आग धीरे धीरे फैल जाएगी। ओके, मैन मेड फायर्स भी आजकल हमारे लिए काफ़ी हेडेक का कारण बने हुए हैं। समटाइम्स फायर्स आर इग्नाइटेड ऑन पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 द फायर इन द एमेजॉन फॉरेस्ट इन ब्राजील हैड बिकम अ कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज दे वर लार्जली सीन टू हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट बर्निंग बाई फार्मर्स एंड लार्ज एग्रो इंडस्ट्री प्लेयर्स कीन ऑन गेटिंग मोर लैंड। तो ब्राजील में, जो कि
लंग ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है, लंग ऑफ दी अर्थ कहा जाता है, ओके, पृथ्वी के फेफड़े उनको कहा जाता है, वैसे एमेजोन फॉरेस्ट को ब्राजील ने अपने फायदे के लिए, अपने कमर्शियल फायदे के लिए जलाना स्टार्ट कर दिया था, ओके। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरिंग द समर मंथ्स फायर्स आर कॉमन इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और ज़्यादातर ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल्स है वहाँ पे गर्मियों के टाइम में बुश फायर देखने को हमें मिलेगा, बट इंडियन बुश फायर्स आर नॉट दैट सीवियर, ओके। और जैसे ही रेन की सीजन आती है उसको बचा लिया जाता है, एंड इवन अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग थ्रू दी सैटेलाइट्स कि अगर कहीं पे भी बुश फायर मिलती है तो मैन्युअली उसको बुझा दिया जाता है। चलिए, कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया क्यों है, बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में क्यों है, बिकॉज ऑफ दी रीजन ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, ओके, जस्ट पार्डन माई मैप स्किल्स, ओके। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे पूरी तरह से वो समंदर से घिरा हुआ है जो अब हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो उसका जो टेम्परेचर है, और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी सारा जो रीजन है वो डेजर्ट रीजन है, डेजर्टेड रीजन है, और उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर हमेशा वहाँ पे हाई रहेगा। ड्राइस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, वेर द समर स्टार्ट अराउंड अक्टूबर, इज नोन टू बी द मोस्ट फायर प्रोन ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। दिस इज मेनली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द ड्राइस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। वो इतना ड्राई है कि उसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर इजिली 45 के अप रहता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स एरिया कंप्राइजेज एरिड और सेमी एरिड लैंड विद एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 350 mm। इतनी कम बारिश होती है, देखिए, ओके। बुश फायर एंड फॉरेस्ट कवर, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 134 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। बुश फायर्स आर प्रिटी कॉमन एवरी ईयर इन समर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स डाटा शोज दैट अबाउट 55 मिलियन हेक्टेयर्स आर फॉरेस्ट लैंड, मीनिंग मोर देन 40% ऑफ एंटायर फॉरेस्ट हैड बीन अफेक्टेड बाई एटलीस्ट वन सच फायर बिटवीन द पीरियड ऑफ 2011 टू 2016। तो देखिए, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 40% का जो लैंड जंगल एरिया है वो हमेशा बुश फायर से घिरा हुआ रहता है, ओके। लेट्स प्रे फॉर ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जलीकट्टू। नाउ जलीकट्टू, देखिए आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा, जो बुल होता है, ओके, तो बुल को दौड़ाया जाता है, उसको डराकर दौड़ाया जाता है, और इस प्रथा को तमिलनाडु में जनरली देखा जाता है, तमिलनाडु के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे इसको देखा जाता है, और इसको एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, ओके, बट फिर भी कर्नाटक और तमिलनाडु ने इसको वापस से स्टार्ट करने की मंजूरी दी है ड्यू टू रिलीजियस एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, ओके। चलिए, जलीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट एवरी ईयर इज अ पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, ओके। तो देखिए, एज अ थैंकफुल, ओके, कि भाई साल काफ़ी अच्छा गया है या आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाए, इसके लिए भगवान को, गॉड को आप थैंक यू बोल रहे हो, उसके प्रतीक के रूप में, उसके सिंबोलिज्म के तौर पर जलीकट्टू मनाया जाता है। दिस स्पोर्ट रिक्वायर्स फाइटर्स टू प्रॉन्स ऑन अ रनिंग बुल, ट्राई टू होल्ड ऑन इट्स हम एंड मूव अलोंग विद द एनिमल विद द फॉलिंग और गेटिंग हर्ट। कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है, इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड द इवेंट स्टेटिंग द प्ली फाइल्ड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो पीटा वालों ने ये बोला था कि भाई अपने मजे के लिए हम एनिमल्स को इस तरह से दर्द नहीं दे सकते, इस तरह से पेन नहीं दे सकते। एनिमल इज ऑल्सो हैविंग द फंडामेंटल राइट टू लिव देयर लाइफ रिस्पेक्टफुली एंड सोबरली, ओके। चलिए, हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट इंसिस्टेड दैट जलीकट्टू इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इट्स कल्चर, ओके। चलिए, द बैन वॉज लिफ्टेड इन जनवरी 27 आफ्टर मैसिव प्रोटेस्ट इन चेन्नई। तो देखिए, चेन्नई वालों ने दंगे फसाद कर दिए वहाँ पे कि भाई हमें तो जलीकट्टू करना ही है, चाहे कितने भी जानवरों को तकलीफ क्यों ना हो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वो बैन था जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको हटा लिया था। ऑल दो देर आर सिस्टम्स इन प्लेस टू चेक द ट्रीटमेंट ऑफ द बुल्स एंड एंश्योर सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेक्टेटर्स, एक्टिविस्ट एलिज दैट एनिमल क्रुएल्टी स्टिल कंटिन्यूस। तो एक्टिविस्ट जो है वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे आप कितना भी चेकिंग कर लो, जो मेन जो
गेम है वही क्रुअल्टी पे बेस है, तो इसको अभी भी कंप्लीटली बैन कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GSAT 30। ओके, इसरो ने इस सैटेलाइट को रेडी किया है और लॉन्च किया है। देखिए लॉन्च कौन से रॉकेट से इसको किया गया है, Ariane 5 VA 251 लॉन्च्ड फ्रॉम कोराऊ लॉन्च बेस। ओके, कोराऊ लॉन्च बेस इन फ्रेंच गुयाना। ऑर्बिट टाइप क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये वर्क करेगा। इसकी मिशन लाइफ होगी 15 इयर्स, दो बैंड्स को ये कवर करेगा। 12 जो ट्रांसपोंडर्स होंगे वो सी बैंड को कवर करेंगे। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, कौन सी फ्रीक्वेंसी में कौन से ट्रांसपोंडर्स काम करेंगे, और ये होगा 12 ट्रांसपोंडर्स जो होंगे वो KU बैंड को कवर करेंगे। पेलोड जो है वो सी बैंड और KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स को ये लेके जाएगा। टोटल 24 पेलोड इसमें भेजे गए हैं। ओके, लॉन्च मास जो टोटल वेट है इसका जिसको लॉन्च किया गया, दैट इज 3,357 kg। सैटेलाइट टाइप क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कवरेज एरिया इसका क्या होगा, तो जो KU बैंड में जो ट्रांसपोंडर काम करेंगे वो इंडियन मेनलैंड और आइलैंड को कवर करेंगे। सी बैंड में जो ट्रांसपोंडेंस होंगे वो गल्फ कंट्रीज और बाकी के जो एशियन एशियन कंट्रीज है उसको, और साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी वो कवर करेंगे, ताकि उन कंट्रीज के साथ इंडिया का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा हो जाए, इजी हो जाए। ओके, चलिए। रिसेंटली दी इसरो हैज लॉन्च्ड टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा इनसेट 4A को जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ओके, सो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 30 इंटू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम कोरू लॉन्च बेस फ्रेंच गुयाना बाय यूरोपियन Asian 5 VA 251। तो ये चीज आपको खास याद रखनी है कि उसका लॉन्च रॉकेट कौन सा था, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, कहाँ से उसको लॉन्च किया गया और वो किसको रिप्लेस किया है। ओके, तो उसने रिप्लेस किया है इनसेट 4A, और अब जो कम्युनिकेशन है वो इनसेट 4A से और पावरफुल है। GSAT 30 से हमारा जो कम्युनिकेशन इंटरनेट स्पीड है, DTH की जो स्पीड है, कम्युनिकेशन के जो और नेटवर्क्स है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और इनसेट 4A भी देखिए, 15 साल उसने सर्विस दिया, 2020 में वो रिटायर हो गया है। ओके, अ यूरोपियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड एट्यूलासेट कॉनेक्ट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड विथ GSAT 30। तो एक यूएसए के यूरोपियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, और यही सारी चीज़ें आपको जो मैंने आपको इमेज में समझाई वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। 3,357 kg उसका वेट होगा, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ की ऑर्बिट में वो ग्रेजुअली जाके, पहले देखिए वो सीधा उसको 36 में नहीं भेजा जाता। ओके, लेट सपोज अगर दिस इज ये अर्थ है तो पहले वो अर्थ के चक्कर काटेगा। ओके, एक चक्कर यहाँ पे पूरा करके ऐसे वो दूसरा चक्कर काट के उसके बाद जो उसकी जो ये है ऑर्बिट है उसमें जाके उसको सेटल किया जाएगा। ओके, लॉन्च कहाँ से किया गया है, अब देखिए लॉन्च क्यों वहाँ से करना पड़ा, फ्रेंच गुयाना से क्यों लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है वो 4,000 kg तक है। ओके, अब इसरो प्लान कर रहा है गगनयान ऑफ 2022 में लॉन्च करने का, तो अगर GSLV Mach 3 अगर वो लॉन्च अगर इसमें यूज हो जाता तो गगनयान के लिए हमारे पास कोई लॉन्चिंग व्हीकल नहीं रहता, और इसीलिए इसीलिए उसको लॉन्च किया गया है थ्रू द यूरोपियन Ariane 5 VA 251 से। ओके, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द फॉरेन लॉन्चर बिकॉज इट वॉज मच हैवियर देन द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ दी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV Mk 3। ओके, और GSLV Mk 3 का यूज होने वाला है गगनयान 3 में, एंड दैट्स वाई उसको हम उसके लिए अभी सेव कर, इट विल प्रोवाइड DTH टेलीविजन सर्विसेज कनेक्टिविटी टू वी सेट्स जो ATM से उसको भी ये सपोर्ट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज जो सर्वर पे चल रहा है उसको सपोर्ट करेगा, टेलीविजन अपलिंकिंग मतलब जो आपके जो सीरियल्स है या जो शोज है वो अपलोड जैसे होते हैं। ओके, वो लगेगा, द टेलीपोर्ट सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट, न्यू गैदरिंग एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, तो आपके जो सारे जो एप्लीकेशन
के जो मीडियम है वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे. दी सैटेलाइट विल ऑल्सो बी यूज फॉर बल्क डाटा ट्रांसफर फॉर अ होस्ट ऑफ इमर्जिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन. और ये जैसे कि हम बता मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो KU बैंड में इंडिया को कवर करेगा, इंडियन मेनलैंड और आइलैंड पार्ट को कवर करेगा, और सी बैंड फ्रीक्वेंसी में वो कवर करेगा गल्फ कंट्रीज के कम्युनिकेशन को और एशियन कंट्रीज को और ऑस्ट्रेलिया को वो कवर करेगा. चलिए अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है. जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इन द ऑर्बिट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिनिंग एंड कैन हैव एनी इंक्लिनेशन. ओके, तो जिस हिसाब से अर्थ स्पिन कर रहा है उसी डायरेक्शन में जियोसिंक्रोनस को. ओके, सो दीज आर योर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स. ओके, चलिए. वाइल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाई ऑन द सेम प्लेन एज द इक्वेटर. ओके, तो एक तो ये हो गया और दूसरा जो आपका हो गया वो ये हो गया. ओके, ये जो टॉपिक है वो मैं कभी आगे वापस एक बार कवर करूंगा, जब मैं इसरो का टॉपिक कवर करूंगा तब हम उसको कवर करेंगे इन डिटेल. इन केस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एग्जैक्टली इनफ टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर सर्क्यूलर मोशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई देखो यहाँ से अगर मान लीजिए लॉन्च किया जाता है, ओके, तो पहले वो क्या करेगा, उसके चक्कर काटेगा, फिर यहाँ पहुँच के वो थोड़ा और दूर चला जाएगा. ओके, फिर यहाँ पहुँच के वो थोड़ा और दूर चला जाएगा, फिर यहाँ पहुँच के वो थोड़ा और दूर चला जाएगा. ओके, और इस तरह से उसको 36,000 की रेंज में पहुँचाया जाएगा. ओके, चलिए. जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट टू अटेन द जियोस्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट अ स्पेसक्राफ्ट इज फर्स्ट लॉन्च इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम द GTO द स्पेसक्राफ्ट यूजेस इट्स इंजन टू शिफ्ट द जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ओके, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया. चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए दैट इज ऑल्सो क्वाइंट इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन. अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोग्राम फॉलो कर रही है, दैट इज इंद्रधनुष प्रोग्राम, और उसका अभी दूसरा पार्ट करंटली चल रहा है. ओके, सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज PCV अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. According to the government estimates, a countrywide rollout of PCV would require about 50% of the budget of the UIP, that is Universal Immunization Program. Okay, chali. Ab PCV hai kya? PCV is the costliest vaccine in the UIP basket that currently covers only about 50% of the 26 million birth cohort in Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Bihar, UP and Rajasthan. तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो वैक्सीन है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट वैक्सीन है, और उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने बच्चों को वो वैक्सीनाइज नहीं करवाते, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. PCV वॉज फर्स्ट ब्रॉट इन टू द UIP बास्केट इन 2017, बट कॉस्ट कंसर्न्स हैव बीन अमॉन्ग द रीजंस फॉर इट्स स्टिल पार्शियल रोल आउट. तो ये देखिए अभी कुछ जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी स्टेट में अभी इसको रोल आउट किया गया है, बट अभी अपने पास तो बाकी के स्टेट के बच्चों को भी तो हमें इम्यून करना है ना, तो वहाँ पे अभी उसको रोल आउट नहीं किया गया है, और ये गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है. द कॉस्ट चैलेंज फॉर इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज सेट टू माउंट फर्दर एज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन गावी. हमने देखिए पिछली बार देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये गावी की जो वैक्सीन की जो समिट थी, वर्चुअल समिट जिसको UK ने होस्ट किया था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था. ओके, सो दैट इज दिस गावी इज सेट टू विड्रॉ इट सपोर्ट फ्रॉम फॉर इंडिया फ्रॉम 2022. ओके, और गावी अपना सपोर्ट 2022 से विड्रॉ कर रहा है. गावी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स टूगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू क्रिएट इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन. अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में कैसे चलता है, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1978 अंडर द एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर.
1985 में क्या किया गया, 1985 में उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और तब से वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम पर ही चल रहा है। नई गवर्नमेंट ने इसके अंडर मिशन इंद्रधनुष को भी जोड़ दिया है, मिशन रेनबो या मिशन इंद्रधनुष। दी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड, वो तो ये क्या ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा, मेन इसका जो एम है वो क्या है, दैट इज रैपिडली इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इम्यून किया जा सके, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, एस्टैब्लिशिंग अ रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू हेल्थ फैसिलिटी लेवल। देखिए आजकल भी, आज भी क्या होता है, जो सिटी में रहते हैं और जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग तो इजीली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वैक्सीन लगा के आ जाता है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले सालों में उसके बच्चे को पोलियो या टीबी या ऐसी जो भी बीमारियां हैं वो ना हो। बट उन लोगों के बारे में क्या, जिन लोगों के पास इन वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है या जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि भाई बच्चे के जन्म के बाद वैक्सीन जैसा भी कुछ चीज़ होती है, वैक्सीनेशन भी करवाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट रीच आउट कर रही है अपने पैसों से। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो छोटे से छोटा भी जो इंसान है, जो गरीब से गरीब भी जो इंसान है, चाहे वो कितना भी इंटीरियर एरिया में रह रहा हो, उसके बच्चे को वैक्सीन मिलनी चाहिए। और इसी के लिए गवर्नमेंट ढेर सारे कैंप लगा रही है अंडर द मिशन इंद्रधनुष। ओके, और देखिए इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम एक प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, के भाई कौन सा प्रोग्राम कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर की जाएगी। ओके, और अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन। अभी देखिए कॉस्ट क्यों हमारे लिए इश्यू है, क्योंकि हमको बहुत सारी वैक्सीन इम्पोर्ट करनी पड़ती है और उसी की वजह से कॉस्ट उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर बाई किसी तरह से अगर रिसर्च के तौर पर अगर उन वैक्सीन को हम इंडिया में ही प्रोडक्शन करना अगर स्टार्ट कर दे, तो इस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा सा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट फैक्टर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए। UIP prevents mortality and morbidity in children and pregnant women against 12 vaccine preventable disease. तो देखिए 12 ऐसे डिजीज हैं जिनको यहाँ पे कवर किया जाएगा, मैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अंडर द UIP प्रोजेक्ट ओनली, उसी को आगे ले जाने के लिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही आगे ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया है। ओके, चलिए। और इसमें जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसमें 7 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और उसी लिए रेनबो के नाम पे उसको मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया था। आफ्टर 2016 उसमें और 5 वैक्सीन को जोड़ दिया गया, तो अब टोटल आपके पास अंडर मिशन इंद्रधनुष 12 ऐसी वैक्सीन है जो आपको दी जाती है। ओके, इन डिफरेंट एरियाज। ओके, चलिए, टोटल वैक्सीन कितनी है, 12। ओके, चलिए। और इसका देखिए एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन अप टू 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमन विद अवेलेबल वैक्सीन। तो दो साल से जो कम वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीनाइज किया जाएगा, और जो प्रेग्नेंट वुमन है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान लेनी होती है, तो वैसी प्रेग्नेंट वुमन को भी वैक्सीनाइज किया जाएगा। ओके, चलिए। अब मिशन इंद्रधनुष क्या है, दिस एम्स टू फुल्ली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन। देखिए कितना बड़ा स्कीम है ये, हु आर इधर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड अंडर दी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, इट टारगेट्स चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ द एज एंड प्रेग्नेंट वुमन फॉर द इम्यूनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज की वैक्सीन वो प्रोवाइड करता है। कौन से? डिप्थेरिया, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलेंगे हम, टिटनस, पोलियो ट्यूबर, पोलियो। ओके, पोलियो देखिए ऑलरेडी इंडिया इज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। आप अमिताभ बच्चन की एड आपने काफ़ी देखी होगी, अब आप वो एड नहीं देखते, क्यों? क्योंकि अब इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी, हमारा इंडिया का विजन है कि बाई 2030 वी नीड टू फ्री फ्रॉम टीबी। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी इन्फेक्शंस, ओके, जापानीज एंसिफलाइटिस,
रोटावायरस वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, और लास्ट जो है वो है मिसल्स रूबेला। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टॉप करके सोचिए कि मिसल्स रूबेला आपने कहाँ पढ़ा है। ओके, तो देखिए अभी मालदीव उसको जरूरत थी मिसल्स रूबेला की वैक्सीन की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 30,000 डोज ऑफ मिसल्स रूबेला वैक्सीन, ओके, उनके डोज मालदीव उसको हेल्प की है, ओके, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। चलिए, हावेवर वैक्सीन अगेंस्ट जापानीज एंसिफलाइटिस एंड हीमोफेलेस इन्फ्लुएंजा टाइप इज बीइंग प्रोवाइडेड इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये दो जो डिजीज़ है वो ऐसे है कि जो हर जगह देखने को नहीं मिलते, तो जिस रीजन में ये ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वहीं पे उनकी वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जा रही है एज ए इनिशियल स्टेज। आफ्टर एक बार वहाँ का वैक्सीन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ओके, और देखिए अभी ऐसे 201 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जो कि मे बी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ पे फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन डिस्ट्रिक्ट को पहले फुल्ली वैक्सीनाइज किया जाएगा, उसके बाद बाकी के डिस्ट्रिक्ट में, एक बार वहाँ का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद बाकी के डिस्ट्रिक्ट में उसको फैलाया जाएगा। अब कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात के कुछ ट्राइबल रीजन्स है, महाराष्ट्र के कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ओके, गुजरात में हो गया जैसे छोटा उदयपुर है, पंचमहाल है, दाहोद है, साबरकांठा है, ऐसे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीएम टू चेयर प्रगति मीटिंग। अब देखिए दिस इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि हमारी जो नई गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। अब देखिए पहले क्या होता था कि कोई एक शहर में कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई ओवरब्रिज बन रहा है, अब वो ओवरब्रिज बनता जाता है, उसका जब एस्टिमेटेड पीरियड होता था वो होता था कि भाई 2.5 साल में 30 महीनों में ये प्रोजेक्ट को हमें ख़त्म करना है, बट ड्यू टू lack of efficiency, due to corruption involved, due to government involved, local government involved, तो इस वजह से वो 30 मंथ का जो प्रोजेक्ट था वो बढ़ते 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 60 महीने या 65 महीने तक पहुंच जाता है, और उसमें भी क्या होता है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है आफ्टर द ओवरब्रिज गेट्स कंप्लीटेड, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अब देखिए इसको जब फाइनली आप समअप करोगे तो फाइनली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है उस पर ही इसका वजन पड़ेगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और उसको नाम दिया गया है प्रगति, और उसका पूरा नाम क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी योजनाएं चल रही है, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी वो क्या करेंगे, मुआयना करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ओके, हर महीने के चौथे वेनेसडे को प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और जहाँ जहाँ और हर एरिया से कलेक्टर जुड़ेंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुड़ेंगे, ओके, या जो कंसर्न्ड पर्सनालिटीज है, कंसर्न्ड एजेंसी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जुड़ेंगे और वो लोग प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि भाई हाँ चलिए पिछले महीने हमारा ये प्रोग्रेस था, इस महीने हमारा ये प्रोग्रेस और आने वाले महीने में हमारा ये प्रोग्रेस रहेगा। इससे क्या होगा, जब मुझे अगर हर महीने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कार्ड मुझे दिखाना है तो मैं अपना काम क्या करूँगा, बराबर से ही करूँगा, और इसी वजह से जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है जो कि इस गवर्नमेंट का वादा है, ओके, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा प्रोजेक्ट्स का। ओके, चलिए, प्राइम मिनिस्टर विल चेयर द 32nd इंटरेक्शन थ्रू प्रगति मीटिंग ऑन 22nd January 2020। इट इज हेल्ड वंस एवरी मंथ ऑन 4th Wednesday एट 3:30 PM एंड नोन एज प्रगति डे। ओके, तो पीएमओ में जनरली इसको प्रगति डे के तौर पर जाना जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ओके, और प्राइम मिनिस्टर के साथ पीएमओ के बाकी सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं और वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर हर स्टेट के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ अपना
कन्वर्जेशन है वो रख रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि भाई चलो पिछले महीने ये प्रोजेक्ट था, पिछले महीने ये प्रोजेक्ट में, इस महीने ये प्रोग्रेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ये भी पूछेंगे कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, ओके ऑन ग्राउंड आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉसिबल हुआ तो वो चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके चलिए, प्रगति गया इट इज अ प्लेटफॉर्म विच एनेबल्स द प्राइम मिनिस्टर्स टू डिस्कस द इश्यूज विद द कंसर्न्ड सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल्स विद फुल इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट विजुअल्स ऑन द ग्राउंड लेवल सिचुएशन। देखिए पूरा प्रोजेक्ट उनको हूबहू दिखाया जाएगा। ओके इट वॉज लॉन्च इन 2015 एंड हैज़ बीन डिजाइंड बाई द PMO टीम विद द हेल्प ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इट इज अ 3-tier सिस्टम जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व होगा, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज इन्वॉल्व होंगे, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व होंगे। ओके चलिए, द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रगति आर ग्रीवियंस रिड्रेसल, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ग्रीवियंस रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट मंथ वो लोग वापस बहाना लेके ना आए कि भाई हमारे पास ये संसाधन नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है भी कोई इशू तो उसको इमीडिएटली सॉल्व कर दिया जाएगा विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम एंड देन यू कैन गो अहेड विथ योर प्रोजेक्ट। ओके चलिए, द प्रगति प्लेटफॉर्म यूनिकली बंडल्स 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए क्यों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी इन्वॉल्व होंगे और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ओके चलिए, हाउएवर द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द PM विद द स्टेट सेक्रेटरीज विदाउट इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन अंडरमाइनिंग द स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखिए होता क्या है, मान लीजिए जहाँ पे BJP की गवर्नमेंट है अभी की, अगर मैं करंट बात करूँ तो सेंटर अगर स्टेट में अगर एक ही गवर्नमेंट है तो देट इज़ फाइन, अगर कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है और वहाँ पे अगर मैं वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को जैसे कि मिनिस्टर्स को अगर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखिए वो तो किसको इन्वॉल्व करते हैं, स्टेट सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व करते हैं। ओके तो सेक्रेटरी तो पॉलिटिकल पद नहीं है, सेक्रेटरी तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस है। तो अब अगर वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो वहां पे थोड़ा क्लैशेस होना स्टार्ट होंगे। ओके चलिए, क्यों, क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ PMO, तो यहाँ पे ये लगेगा कि PMO भाई स्टेट के जो काम है उसमें भी दखल अंदाजी कर रहा है। ओके इट इज अ रोबस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विथ रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमॉन्ग दी की स्टेक होल्डर्स। ओके सो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच जब कुछ बात होगी तो हाई लेवल कम्युनिकेशन वहाँ पे दिखता हुआ हमें मिलेगा। और इससे देखिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड हमें देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि कुछ चीज़ें बनती जाती थी, सदियाँ निकल जाती थी, वो नहीं बनती थी। ओके सालों निकल जाते थे, अब आपको पता चलता है कि भाई चलो इस साल में ये स्टार्ट हुआ और 2 साल बाद ये मुझे एक्चुअली बनता हुआ ऑन ग्राउंड कुछ तो फर्क होता हुआ मुझे दिखता है। ओके चलिए, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रगति मीटिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी की गई है, वो ट्रीटी है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए ताकि जो ट्रेड है। ओके देखिए नेपाल और इंडिया इस तरह से ये पूरी जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। ओके अब यहाँ पे ट्रेड को इजी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाएगी। ओके तो जो सेकेंड चेक पोस्ट है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जॉइंटली इनोग्रेटेड द सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट जोगबनी बिहार एंड विराटनगर नेपाल। ओके तो KP ओली ने इसको इनोग्रेट किया फ्रॉम द नेपाल साइड और नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया फ्रॉम दी इंडिया साइड। ओके और उसका नाम क्या है, जोगबनी जो कि है इंडियन साइड बिहार स्टेट में और विराटनगर है नेपाल साइड में। ओके तो उस बॉर्डर पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई। अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से फायदा क्या होगा, एक तो जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, जो प्रोसेस है
क्रॉस बॉर्डर का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और सारी जो चीज़ है वो कंप्यूटराइज्ड कर दी गई है। तो इससे आने वाले सालों में अगर कुछ गलती भी होती है, मान लीजिए कुछ थ्रेट जैसी कुछ सिचुएशन होती है, तो सारे रिकॉर्ड्स एक बार क्या हो जाएंगे, रीचेक किए जाएंगे। जोक बनी विराट नगर इज इक्विप्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट बिटवीन दी टू कंट्रीज। इट वॉज बिल्ट विथ एन इंडियन असिस्टेंस टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट अक्रॉस दी इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो अब जो देखिए ट्रेड तो पहले भी होता था, अब वो ट्रेड जो है वो स्मूथली हो जाएगा। ओके, ज्यादा हैजल फ्री ट्रेड प्रोवाइड करवाया जाएगा। दिस इन लाइन विद द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीजें की जा रही है। इंप्रूविंग क्रॉस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑफ रोड, रेल एंड ट्रांसमिशन लाइन्स इन नेपाल, इट इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ। तो देखिए काफी सारा इंडियन इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में नेपाल में हमें देखने को मिलेगा। इंडिया प्लेड द रोल ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन नेपाल ड्यूरिंग द आफ्टर द अर्थक्वेक इन 2015। तो चीन से भी पहले हमने नेपाल को रिलीफ पैकेज पहुंचाया था। अब देखिए नेपाल ऐसा एक कंट्री है कि जो चीन के साथ भी जुड़ना चाहता है और इंडिया के साथ भी जुड़ना चाहता है, बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि नेपाल इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना। ओके, क्योंकि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है नेपाल में वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। ओके, इसलिए जो नेपाल गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती है, ज्यादा भाव नहीं देती है, और इसी वजह से हमें बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल के साथ भी देखने को मिलते रहते। ओके, जो हम इन फ्यूचर वी विल डिस्कस दैट। ओके, चलिए अब देखिए ये तो सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था। पहला इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट था वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो था रक्सौल एंड बीरगंज। ओके, रक्सौल इन फ्रॉम इंडिया साइड एंड बीरगंज इन नेपाल साइड। तो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया था रक्सौल बीरगंज। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में। ओके, पीपीटी में नहीं होगा, आपको यहाँ पे छोटे से अक्षरों से मैंने लिखा हुआ है, दैट इज रक्सौल बीरगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ओके, जिसको 2018 में ही ओपन कर दिया गया था एंड 2020 में दिस इज द सेकेंड चेक पोस्ट। तो ऑलमोस्ट ऐसे 4 से 5 आने वाले सालों में चेक पोस्ट बनाने की गवर्नमेंट की विजन है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। आज का आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है देर आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। स्टेटमेंट टू, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई इज एप्लीकेबल ऑन दीज बैंक्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इट एनलिस्ट 21 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। जो जीपीएससी वाले देख रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, 22 जो मुख्य भाषा है उनको यहाँ पे एनलिस्ट किया गया है अंडर द 8th शेड्यूल। स्टेटमेंट टू, इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस लिस्टेड अंडर दिस शेड्यूल। तो अंग्रेजी पण एक भाषा है जेने 8मा शेड्यूल में समावामां आवेली छे, 8मी अनुसूची में समावामां आवेली छे। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेफरेंस टू द 8th शेड्यूल हेड बीन मेड ओनली इन आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8मी अनुसूची नो जो उल्लेख छे ते मात्र अने मात्र अनुच्छेद 344 માં જોવા મળે છે। વિચ ઓફ ધી સ્ટેટમેન્ટ ગિવન અબોવ આર કરેક્ટ। સાચા વિધાનો તમારે પસંદ કરવાના છે, વન ઓનલી, વન એન્ડ ટુ ઓનલી, ટુ એન્ડ થ્રી ઓનલી એન્ડ વન ટુ એન્ડ થ્રી। ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી, વિથ રેફરન્સ ટુ ડિજીલોકર કન્સિડર ધી ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ। ડિજીલોકર ક્યાં હૈ, આઈ હોપ યુ એવરી વન ઓફ યુ નો। इट इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट टू, इट एम्स एट सिक्योरिंग यूजर्स गोल्ड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बराबर, ए पोताना वपराशकर्ताओं ने सोनू सेव करवानी सुविधा आपे छे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल एड्रेस योर डाउट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।